नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर जो है राजस्थान प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 का जो है मैं पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। इससे पहले मैं 2016 भर्ती का पेपर सॉल्यूशन करवा चुका हूँ। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया गया है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में भी है और इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये 2016 का पेपर भी है इससे पहले, अभी मैं 2018 का पूरा पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। जो आपका ऑफिशियल पेपर आया था वो पूरा पेपर है, पेपर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा, ये 3 घंटे का पेपर था, 300 नंबरों का था और ये यहाँ पर 150 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन 2 नंबरों का है। इसमें आपके फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह जितने भी हैं सारे सब्जेक्ट हैं, आप लोग देखिएगा। चलिए अब मैं आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन करवा देता हूँ, ये लीजिएगा। ये आप लोग यहाँ पर देखिएगा, शुरू करते हैं आज के पेपर को। तो यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, सहयुग्म को सुमेलित कीजिए। सहयुग्म को आपको सुमेलित करना है, आप सुमेलित कीजिएगा। तो जसनाती संप्रदाय क्या हो जाएगा, जसनाती का हो जाएगा, कहाँ पर है जसनाती, कतरिया शहर बीकानेर में है। उसके अलावा शीतला माता कहाँ पर है, चाकसू जयपुर में। जाम्बोजी कहाँ पर है, तो जाम्बोजी आपके हो जाएंगे मुकाम नोखा। जीण माता रेवासा सीकर हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, तो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, तो गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा राजसंबंध में मनाई जाती है। कहाँ पर, नाथ द्वारा राजसंबंध में। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप लोगों को जूम में ज़्यादा आसानी हो जाएगी दिखने में, चलिए मैं जूम कर देता हूँ। तो ये जूम कर दिया, संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी, तो शाह अली और तुकनगीर ने जो है 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी, इसका जवाब हो जाएगा तुरा कलंगी ख्याल की रचना की थी शाह अली और तुकनगीर ने 400 वर्ष पहले। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित जो मंदिर है वह आप लोगों को बताना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करणी माता मंदिर देशनोक हो जाएगा, राइट आंसर है। करणी माता का मंदिर कहाँ पर है, देशनोक बीकानेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें नंबर का, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था, तो अजमेर का मात्र एक मुख्यमंत्री रहे हैं और वो भी मुख्यमंत्री का क्या नाम है, जल्दी से आप आंसर दीजिएगा, हरिभाव उपाध्याय। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हरिभाव उपाध्याय राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वें नंबर का, निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था, तो 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे, तो 1857 के विद्रोह के नेता थे जयदयाल और मेहराब खान। जयदयाल हो जाएगा और मेहराब खान हो जाएंगे, तो आपका यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जयदयाल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं, तो ये रहा 7 नंबर का, वीर सतसई और बल्लभ दिलास और रामरंजाट के लेखक कौन है, तो आपको बताना है, इसका बिल्कुल सिंपल हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण। 7वें नंबर क्वेश्चन का, सूर्यमल मिश्रण का संबंध किस रियासत से है, तो इनका है बूंदी से, कहाँ पर है बूंदी से संबंधित है। बागोर भीलवाड़ा जिले की नदी के कांटे पर स्थित है, तो बागोर जो सभ्यता है वह भीलवाड़ा जिले में किस नदी के कांटे पर स्थित है, तो आपको बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा कोटारी। क्या हो जाएगा, कोटारी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मैनाल में सुवेश्वर विष्णु मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था, मैनाल में सुवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, चौहान शासक ने, उसका नाम है पृथ्वीराज द्वितीय, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर के प्रत्यारों के इतिहास की जानकारी देता है, तो मंडोर के जो प्रत्यार शासक है उसकी जानकारी कौन सा जो है लेख देता है, बताइए जानकारी कौन सा अभिलेख देता है। 10वें का राइट आंसर देगा घटियाला अभिलेख। क्या हो जाएगा, घटियाला अभिलेख आपका राइट आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए? निम्न में से कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए? अरे आप सभी को तो पता है ना, मेवाड़ ने तो किए नहीं थे, यहाँ पर मेवाड़ तो ऑप्शन में है ही नहीं। उसके अलावा किसने नहीं किए थे? तो उसका सही आंसर हो जाएगा रणथंभौर के राव सुरजनहाडा ने। रणथंभौर के राव सुरजनहाडा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। हवा महल की पहली मंजिल का क्या नाम है? हवा महल की जो पहली मंजिल है उसका नाम हो जाएगा प्रताप मंदिर। क्या हो जाएगा? पहली मंजिल का नाम प्रताप मंदिर। इसकी जो सारी मंजिलें हैं उन सभी का नाम आपको याद होना चाहिए, एक एक मंजिल का नाम याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये किसके समान दिखती है, किसने निर्माण करवाया था, कितनी जाली और झरोके हैं, ये सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए हर बात का, क्योंकि इस बार भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ऐसे ही प्रश्न पूछता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 13वें नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिएगा, इंग्लिश में भी आप देखते रहिए प्रश्न, इंग्लिश जिसको भी पढ़ना है। तो ये रहा यहाँ पर 13वें नंबर का क्वेश्चन। अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान आया? बताइए, अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान आया था? तो किस वर्ष में राजस्थान आया था? तो 1893 में। कब आया था? 1893 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो यह बिल्कुल सिंपल है, चलिए बताइए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? रामनारायण चौधरी। और यहाँ पर दो किसान जो है मारे गए थे, उनका नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और नहीं बताए तो आपको गूगल में सर्च करके बताना है। दो यहाँ पर किसान भी मारे गए थे, इंपॉर्टेंट है दोनों किसानों का नाम, ठीक है ना? बार बार में पूछे जाते हैं उन किसानों का नाम। भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? और बेंगुस्तान कहाँ पर है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? गुरु गोविंद गिरी। किसके द्वारा भगत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? गुरु गोविंद गिरी। इनकी जो है संप सभा वगैरह का इन्होंने आयोजन किया है, ये आप लोगों को पता है। एक ही आंदोलन, मोतीलाल तेजावत, ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। इनका संबंध कहाँ से है, इनकी जो कौन सी जाति थी, ये सारी चीज़ें भी आप याद रखिएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? तो यहाँ पर एक जो है शंकर देव राय समिति बनाई गई, उसमें पता लगाया गया कि कौन जो है उत्तर प्रदेश के साथ मिलना चाहता है और कौन राजस्थान में आना चाहता है, लोगों से राय ली गई। ठीक है, अब मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, फिर एक्स्ट्रा आपके लिए अलग से क्लासें ले लूँगा मैं। ठीक है, अभी मैं जितना आपको बता रहा हूँ उतना आप बस ये क्वेश्चन का थोड़ा सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर देख लीजिए अभी, तो फिर बाद में बातें करेंगे। शंकर राव देव समिति थी, इसमें तीन सदस्य, दो एक तो अध्यक्ष था शंकर राव देव समिति देव थे और दो और थे। ठीक है, तो ये सारे मैं अलग से बता दूंगा आपको बाद में, पर धौलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का राइट आंसर धौलपुर हो जाएगा, ये इसकी राय थी। अगला क्वेश्चन, मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा बूंदी गई, वह किस जिले से संबंधित है? डूंगरपुर से। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी महिला है जिसे कभी जेल नहीं हुई, मतलब जिसे कभी गिरफ्तार नहीं किया गया, तो उनका नाम भी पूछा जाए तो कालीबाई बिल यदि ऑप्शन में है तो वह राइट आंसर होता है। तो ये बातें भी आप याद रखना चाहिए, क्योंकि इनको मार ही दिया गया था तो क्या जेल में जाएगी, ऐसे आप थोड़ा अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। और ये कहाँ की थी, डूंगरपुर में पूछे तो रास्तापाल की, कहाँ पर? रास्तापाल। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला, ये बार बार में आता है और बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा आप लोगों को कि ऐसी पहली महिला कौन थी जो पहली बार गिरफ्तार हो, तो पहली महिला थी जो गिरफ्तार हुई थी राजस्थान की, और उसका नाम आप बिल्कुल बता पाएंगे, अंजना देवी चौधरी। क्या हो जाएगा? अंजना देवी चौधरी। 18 नंबर का क्वेश्चन था 19 नंबर के क्वेश्चन में। चलते हैं, ये रहा 19 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान के किस गढ़ को दारादार गढ़ के नाम से भी जाना जाता है? दारादार गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। 19वें नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चोहमुआगढ़। क्या हो जाएगा? चोहमुआगढ़। और अभी कल एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, वेल्लोर दुर्ग किसे कहा जाता है? वेल्लोर दुर्ग,
कल ही पूछा है और राजस्थान जेई में आया है, अभी जो एग्ज़ाम हुआ है राजस्थान का वेल्लोर, तो वह कहते हैं बैसरोड गढ़ को, पूछा जा सकता है आपके भी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन है आ सकता है। मैं आपको पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा और भी भर्तियों के, ताकि आपके जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वो आपकी परीक्षाओं में आते हैं बार बार में, तो वो भी सॉल्यूशन करवा दूंगा। तो आप ध्यान से पढ़ते रहिए, हमारे साथ लगे रहिए। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? चांद बावड़ी कहाँ पर है? चांद बावड़ी, चांद बावड़ी बताइए। तो चांद बावड़ी आबानेरी हो जाएगा, दौसा, आबानेरी दौसा में है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संत को, संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली सम्मिलित हुए? तो जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए फटाफट, सभी पास्ट बताइए आंसर। तो 21 नंबर का सही आंसर हो जाएगा संत पीपा जी, क्या हो जाएंगे? पीपा जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या हो जाएंगे, लोक देवता गोगा जी को के, लोक देवता गोगा जी के तान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? गाँव गाँव गोगा, गाँव गाँव खेजड़ी, याद आया क्या कुछ? बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा? खेजड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुदरत सिंह को किस हस्तकला में महारत के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया? कुदरत सिंह को किस हस्तकला में महारत के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया? तो 23वें का सही जवाब होता है मीनाकारी कला के लिए, जो कुदरत सिंह को क्या किया गया? पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया, मीना कारी कला के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, बताइए मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला के संबंधित चित्रकार थे? तो फटाफट से बताइए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर हो जाएगा। पूछा जा सकता है आपसे कि प्रकृति का जो कलर है वह कहाँ पर है, कौन सी इसमें है, तो आपसे पूछा जा सकता है, तो वह बूंदी हो जाएगा। बस मोर का जो चित्र मिलता है, नाचता हुआ मोर, तो भी बूंदी में मिलेगा। बहुत सारे शिकार करते हुए कोटा में, बड़ी ठणी आपके किशनगढ़ में, तो कुछ कुछ जो चीज़ें आपकी अब इम्पोर्टेंट है, अब सारी चीज़ें याद रखिएगा। पिछवाई कला नाथ द्वारा, तो बहुत सारी जो भी चीज़ें हैं, किसने क्या कौन सा वेली किशन रुक्मणी, ये बहुत सारे मतलब अलग अलग जो चीज़ें हैं, रामायण किसने रचवाई, सब ये मतलब लिखवाया, ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, ज़्यादा पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। मैं आपको वैसे बता दूंगा, आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए मित्रों। दादू और उनके शिष्यों की रचनाएँ अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है? दादू और उनके शिष्यों की जो रचनाएँ अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है, इसका जवाब हो जाएगा डुंडाड़ी भाषा में। डुंडाड़ी भाषा कहाँ पर बोली जाती है, ये भी आप कमेंट करके बताइए। सही है, बताओगे कमेंट करके, मैं बता दूँ जयपुर के आसपास जो है, या जयपुर में या जयपुर के आसपास डुंडाड़ी भाषा बोली जाती है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है, पूछा जा सकता है। आड़ोती बोले तो आपके आड़ोती हो जाएगा, कोटा बूंदी, मतलब सभी याद रखने हैं आपको, मेवाड़ी मारवाड़ी सब। अगला, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान राज्य के पंजीकृत वन क्षेत्र का निम्नांकित में से कौन सा प्रतिशत अंश आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत है? और कल भी आरक्षित क्षेत्र प्रोटेक्ट एरिया कल पूछा गया था, आरक्षित क्षेत्र तो ये इस टाइम पूछा गया था लेवल स्टैंड में, कल जो राजस्थान जेई का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था संरक्षित क्षेत्र, प्रोटेक्ट एरिया, संरक्षित क्षेत्र, ठीक है, और इसमें पूछा गया था आरक्षित, तो आरक्षित संरक्षित ये सारे जितने भी हैं आपको याद रखने हैं, तो आप याद रखिएगा, जरूर जरूर इम्पोर्टेंट है आप लोगों को याद रखना। तो ये तो उस टाइम का तो 38.11 हो जाएगा, अभी है 37.05, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, अभी नया डाटा आ चुका है, नया डाटा अनुसार याद कीजिएगा, ठीक है, अभी नई रिपोर्ट आ गई है, नई रिपोर्ट के जो भी क्वेश्चन है वो मैं करवा दूंगा, इसे याद मत रखना, नया डाटा आ गया, नया डाटा मैं बता दूंगा, अभी तो इसका याद रखिएगा 37.2000 अभी की जो हिसाब से 37.505%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? और अभी जो है छोटा नेशनल पार्क बनाया गया वो कौन सा है? रामगढ़ विषधारी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप भी याद रखिएगा। शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है?
तो शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये बारह में, बारह में कहाँ पर है? बारह में, बारह में, ठीक है। हार्ड होती भी आ सकता है कभी कभी, कभी बारह आ जाता है। आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाना जाता है, तो आदिवासियों का हरा सोना, तो सभी को पता है हरा सोना कौन सा है, हरा हरा क्या होता है, कौन सा पेड़ होता है, कौन सा होता है, तो सभी को पता है बांस, बांस क्या हो जाएगा, आदिवासियों का हरे सोना कहा जाता है इसे। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस, ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ठीक है, O3 होता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है, कब? 16 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है? ब्लू बेबी सिंड्रोम याद रखिएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? नाइट्रेट के कारण, किसके कारण? नाइट्रेट के कारण, नाइट्रेट, नाइट्रेट आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्र व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो राजस्थान में थार मरुस्थल कितना है, फिर जनसंख्या कितनी है? तो थार मरुस्थल 61% है और 40% लगभग, मतलब लगभग है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे है इनमें, एक दो पॉइंट होगा, तो 61% तो क्षेत्रफल है, जनसंख्या 40% है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 31वें नंबर का। चलते हैं 32वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ, ये रहा 32वें नंबर के क्वेश्चन, राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम। तो आपको जैसे चिंकारा हुआ, आपके जो है सब जितने भी पशु पक्षी है, राष्ट्रीय पशु पक्षी राजस्थान के, उनके सबके आपको वैज्ञानिक नाम भी याद कर लेने हैं। क्या करोगे? वैज्ञानिक नाम भी याद करने, गोडावन वगैरह इन सब के, तो क्या हो जाएगा बताइएगा फटाफट, कैमेलिस डोमेडेरियस आपका राइट आंसर हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न है, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 33 का, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। अगला, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना, तो सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना बार बार में आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, डूंगरपुर से संबंधित है, कहाँ से? डूंगरपुर से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हनुमानगढ़ और चूरू जिले के लिए जल का स्रोत है? तो कौन जल का स्रोत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, हनुमानगढ़ और चूरू के लिए है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक राजस्थान में अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है? तो अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है NH 89, नेशनल हाईवे 89। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है? तो भारत का पहला स्थान किसमें है? फेल्सपार में, किसमें? फेल्सपार में। चलते हैं 38वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ, 38वें नंबर का क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? तो डूंगरपुर, बाणगंगा और मोरेल। तो बाणगंगा आपको पता है कहाँ है? बाणगंगा जयपुर में, तो डूंगरपुर में काय लेने जाएगी ये भाई? नहीं जाएगी ना बाणगंगा जयपुर के अलावा, छोड़, जयपुर को छोड़ के बाघ थोड़ी जाएगी यहाँ से, नहीं जाएगी। तो बिल्कुल आपका डूंगरपुर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोपेन का वर्गीकरण कल भी पूछा था, डेली हर पेपर में कोपेन का वर्गीकरण आ रहा है, थर्ड वेट का वर्गीकरण आता है, सबसे ज़्यादा पर इम्पोर्टेंट है कोपेन का, किस पे आधारित है? वनस्पति पे, वर्षा पे, किस पे है, ये भी पूछा जाता है। तो कोपेन वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित से कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए है? डूंगरपुर जिले के लिए है, बताइए फटाफट से, चार ही प्रकार से तो वर्गीकरण किया है इन्होंने, तो याद रख लो चार प्रकार में कौन सी बड़ी बात आ गई, मैं करवा दूंगा एक बार और, तो क्या हो जाएगा? AW प्रकार की, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वगैरह इनमें जो है AW प्रकार की आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जो विषमता पाई जाती है वो जैसलमेर में पाई जाती है, मरुस्थल में पाई जाती है। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मृदा पाई जाती है? तो सभी को पता है एरिडोसोल्स एवं एंटीसोल्स, एरिडोसोल्स एवं एंटीसोल्स आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों।
ठीक है, हो गया इसका सही आंसर। चलो अगला प्रश्न में चलते हैं 42वें नंबर के में। आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार राजस्थान में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए चयनित जिलों की संख्या है, क्या हो जाएगा 24। अब नई टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये करंट अफेयर्स का था तो इसे छोड़ना है आपको, तो छोड़ देना, इसे याद मत करना, ठीक है। जो याद नहीं करने मैं पहले बता दूंगा, इसको याद नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी की भी कहलाती है? कामधेनु नदी, चरमणवती नदी, बारहमासी नदी, ये सारे नाम किस नदी के हैं? और सबसे ज़्यादा बांध, चार बांध भी इसके ऊपर ही बनाए गए हैं। तीन बांध राजस्थान में है, एक बांध एमपी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल। इतना सादा मैंने हिंट दे दिया, आप तो बता ही हैं चंबल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो सभी को पता है गंगानगर, फिर बूंदी भी है। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? गंगानगर। कौन सा नगर? गंगानगर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 45वें नंबर के में। ये रहा रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये राजस्थान का नक्शा समझ लीजिएगा, तो यहाँ पर क्या है बताओ फटाफट फास्ट। तो यहाँ पर हिंदू मल कोट है गंगानगर उत्तर में, फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो बाकासर बाड़मेर हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा हिंदू मल कोट, गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार अक्षांश से विस्तार पूछा जा सकता है? देशांतरीय विस्तार आप बताइए, अक्षांश से विस्तार तो जाएगा 23 डिग्री 03 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट, ये तो हो जाएगा अक्षांश से विस्तार। उत्तर आया होगा यहाँ पर, यहाँ पर भी उत्तर आएगा, यहाँ इसके बाद भी उत्तर लिखा होगा। और देशांतर में बात करें तो पूर्व पूर्व होना चाहिए दोनों के पीछे, तो क्या हो जाएगा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व, तो यहाँ पर पश्चिम लिखा हुआ है तो ये गलत होगा, यहाँ पश्चिम लिखा हुआ है गलत होगा, तो पूर्व पूर्व होना चाहिए देशांतर में, और अक्षांश में उत्तर उत्तर होना चाहिए, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिए, ट्रिक समझ लीजिएगा, शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? सबसे ऊंचाई है माउंट आबू, तो क्या हो जाएगा सबसे ऊंचे गुरु सीकर हो जाएगा, सबसे ऊंची गुरु सीकर 1722। उसके बाद दूसरे नंबर पे है शेर, ये भी कहाँ पर है? सिरोही में, गुरु सीकर भी सिरोही में, तो शेर की ऊंचाई हो जाएगी 1597। 1597 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? तो अरावली पहाड़ी का विस्तार कहाँ नहीं है, चलो बताओ फटाफट। 48वें नंबर का सही जाएगा जालोर में जो है अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है। फुलवारी की नाल कहाँ पर है? फुलवारी की नाल से नदियाँ निकलती है, बताओ बताओ फटाफट। इसका सही आंसर जाएगा उदयपुर में फुलवारी की नाल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो वह है नागपानी अरावली दर्रा, ये सही सुमेलित नहीं है, जबकि गग्गर मर्त नदी बौराट एक पठार है, शेर क्या है अरावली है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप लोगों के लिए देखिएगा, ये रहा 51वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, अब आप मंथन रन के साथ लग जाइए, ठीक है। आपको जीके में ध्यान देना है, दोनों में ध्यान देना है। प्रश्न है, प्रक्रिया जिसमें एल्कोहल का निर्माण होता है, वह प्रक्रिया जिसमें एल्कोहल का निर्माण होता है अवायवीय शोषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कनाडा बॉल्सम एक माउंटिंग एजेंट को स्थाई स्लाइड के लिए प्रयोग किया जाता है, यह एक जाति से प्राप्त होता है, तो कौन सी जाति से प्राप्त होता है? एबिस से। किससे? एबिस से। अगला क्वेश्चन, भू स्त्री होता है, भू स्त्री
होता है, क्या होता है? उपवायवीय रूपांतरित स्तंभ। अगला क्वेश्चन, रोजी क्या है? एक ट्रांसजेनिक गाय। क्या है रोजी? एक ट्रांसजेनिक गाय है। लीची का खाने योग्य बाग है, लीची का खाने योग्य बाग कौन सा होता है? एरिल। कौन सा बाग होता है? एरिल बाग होता है। अगला है, गेहूं में 100 परागकण प्राप्त करने हेतु कितने न्यूनतम अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? गेहूं में 100 परागकण प्राप्त करने हेतु कितने न्यूनतम अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? जवाब हो जाएगा 25 की। कितनी? 25 की होगी। चलते हैं 57वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। पूर्ण शतकता शब्द किसने प्रतिपादित किया? पूर्ण शतकता शब्द जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था आपके मॉर्गन ने। किसने? मॉर्गन ने। अगला क्वेश्चन, साधारणतया मूसला मूल पाई जाती है, साधारणतया मूसला मूल पाई जाती है। तो सही जवाब हो जाएगा द्विबीजपत्री आपका राइट आंसर होगा। अगला है, रोडोफाइसी का संचित उत्पाद है। तो 59 का सही जवाब होगा फ्लोरोडियन स्टार्च आपका राइट आंसर हो जाएगा। पोमेला अवस्था पाई जाती है क्लेमाइडो मोनोज। क्या हो जाएगा? पोमेला अवस्था पाई जाती किसमें? क्लेमाइडो मोनोज आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, सारे प्रश्न वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, अच्छे से ध्यान से देखिए। मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ, सारे प्रश्न दोबारा से रिपीट होते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं, इसलिए आप इसका ध्यान अच्छे से रखिएगा। 2016 वाला पेपर यदि आपने सॉल्यूशन नहीं देखा है तो उसका सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सेब और नाशपाती का खाने योग्य बाग कौन सा है? पुष्पासन। कौन सा बाग है? पुष्पासन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैविक विविधताओं पर सम्मेलन हेतु प्रथम अर्थ समिट हुआ, जैविक विविधताओं यानी कि अर्थ कन्वर्जन ऑफ ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये प्रथम जो अर्थ समिट है ये कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा रियो डी जिनेरियो 1992 ब्राज़ील के अंतर्गत हुआ था ये। अगला चलते हैं क्वेश्चन 63 की तरफ। तो 63 नंबर का क्वेश्चन है ये रहा, चाय का लाल किट रोग किसके द्वारा होता है? तो ये होता है हरे सेवाल के लिए कारण। किसके कारण? हरे सेवाल। अगला है, ज्वार के फल को क्या कहते हैं? कैरियोपिसिस। क्या कहते हैं ज्वार के फल को? कैरियोपिसिस आप कहते हैं। अगला क्वेश्चन, शब्द बायोसिनोसिस किससे प्रतिपादित किया है? इसका जवाब हो जाएगा कार्ल मोबियस। क्या हो जाएगा? कार्ल मोबियस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिब्बेरेलिन को पृथक किया गया 66 का राइट आंसर देगा कवक से। अगला क्वेश्चन, उपकरण जिसके द्वारा पेड़ के तने का व्यास मापा जाता है, ऐसा उपकरण जिसके द्वारा पेड़ के तने का व्यास मापा जाता है उसे कहते हैं डेंड्रोग्राम। क्या कहते हैं उसे? डेंड्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे से इंग्लिश वाले ऊपर देख लीजिए, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ। मानव अपरा द्वारा निष्कासित हार्मोन के संबंध में निम्न में क्या सही है? तो 68 का सही हो जाएगा HCG HPL प्रोटेस्टोरोन एवं एस्ट्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इसका राइट आंसर मानव अपरा द्वारा निष्कासित हार्मोन के संबंध में निम्न में से क्या सही है, तो ये सही है। अगला क्वेश्चन, तंत्रिका आवेग के प्रेक्षण के समय पुनः ध्रुवण की प्रक्रिया में होता है, तो पुनः ध्रुवण की प्रक्रिया में होता है पोटेशियम आयनों का बही प्रवाह, तो आपका ये सही जवाब होगा। 70 नंबर का क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के लिए कथन का चयन कीजिए जो सही नहीं है। मानव मस्तिष्क के लिए कथन का चयन कीजिए जो कि सही नहीं है, क्या हो जाएगा? मध्य मस्तिष्क में दो द्रग पालिया उपस्थिति। अगला क्वेश्चन, विभिन्न तीव्रता की ध्वनि को विभेदीकृत कर्ण, विभिन्न तीव्रता की ध्वनि को विभेदीकृत कर्ण के लिए के किस भाग द्वारा किया जाता है, तो 71वें नंबर का सही आंसर है आधारीय कला, क्या हो जाएगा? आधारीय कला। अगला क्वेश्चन, रेखित पेशी के लिए जब वह संकुचित होती है निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, तो 72वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट पट्टी की आई पट्टी, क्या हो जाएगा? आई पट्टी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो आपके 72 नंबर का क्वेश्चन है आई पट्टी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये 72वें नंबर का क्वेश्चन है। चलते हैं 73वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है, प्राणी कोशिका में कौन से आरएनए की प्रचुरता है, प्राणी कोशिका में कौन से आरएनए की प्रचुरता है, ये आपको बताना है प्राणी कोशिका में कौन से आरएनए की प्रचुरता है। सही जवाब हो जाएगा आरआरएनए की प्रचुरता है, किसकी? आरआरएनए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मेंडल के प्रयोगों में द्विशंकर लक्षण प्रारूप अनुपात था, मेंडल के प्रयोगों में द्विशंकर लक्षण प्रारूप अनुपात था, तो 74 में सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 9 गोल पीले 3 गोल हरे 3 झुर्रीदार पीले 1 झुर्रीदार हरा, तो ये आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है 75, स्तंभ एक में दिए गए सिंड्रोम को स्तंभ दो में दिए गए कैरियोटाइप से मेल करते हुए उत्तर का चयन कीजिए जो सही नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर सी, टर्नर सिंड्रोम ट्राइसोमी 21, ये क्या है? सही नहीं है, इसके अलावा सब कुछ सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समूह समतापी प्राणियों का है, निम्न में से कौन सा समूह समतापी प्राणियों का है, तो समतापी प्राणियों का समूह कौन सा है? वहल, कबूतर, समकादड़, तो यह सब क्या है? समतापी प्राणियों के एग्जाम्पल है। तो चलिए 77 नंबर के क्वेश्चन में, ये रहा 77 नंबर का क्वेश्चन, संघों के नाम युक्त सूची पृष्ठ को संरचनाओं युक्त सूची सेकंड से मेल करें तथा सही उत्तर का चयन करें, तो सही आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर ए का आपका सेकंड हो जाएगा, पोरी फेरा कीपाणु, इसके अलावा यहाँ पर चलते हैं प्लेटीहेमिथीज आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्वाला कोशिका, निमेट हेल्थीमीज इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फॉर्मिडिस कॉर्टेडा, कॉर्टेडा का राइट आंसर हो जाएगा आपका दंश कोशिकाएं नहीं होगा कॉर्टेडा का हो जाएगा पच गुद्ध पुच्च आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम भोजन में, बताइए फटाफट से, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन्स का पाचन नहीं करता, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन नहीं करता, तो कौन सा नहीं करता है भोजन का पाचन, बताइए, तो सही आंसर देगा लाइपेज, कौन सा नहीं करता? लाइपेज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो 79 में बताना है कौन सुमेलित नहीं है, तो सही आंसर नहीं है त्रिकपदी, क्या हो जाएगा? त्रिकपदी कपाट, क्या हो जाएगा? मिट्रल कपाट, त्रिकपदी कपाट, मिट्रल कपाट आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चले 80 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके 80 नंबर का क्वेश्चन। एंड्रोजन का श्रावण करती है, एंड्रोजन का श्रावण बताइएगा 80 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लैंडिंग कोशिकाएं कौन करती है? लैंडिंग कोशिकाएं मनुष्य में जीवाणुवीय रोग है, मनुष्य में जीवाणुवीय रोग है। तो मनुष्य में जीवाणुवीय रोग कौन सा है? टाइफाइड, प्लेग, टाइफस। टाइफाइड, प्लेग, टाइफस राइट आंसर हो जाएगा 81 का। अगला क्वेश्चन है, समजात अंगों के सही सेट का चयन कीजिए। समजात अंगों के सही सेट का चयन कीजिए। सही आंसर है मानव के अग्रपाद, पक्षी के पंख, वहल के मेन पंक्स। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संघ एनी लिंडा एवं मोलेस्का की योजक कड़ी है। तो योजक कड़ी कौन सी है? तो इनकी योजक कड़ी है नियोपिलाइना। क्या हो जाएगा? नियोपिलाइना आपका राइट आंसर हो जाएगा, नियोपिलाइना। अगला क्वेश्चन, मूंगा सिल्क किस कीट से प्राप्त होता है? मूंगा सिल्क किस कीट से प्राप्त होता है? 84 का राइट जवाब हो जाएगा एंथेरिया असामा। क्या हो जाएगा? एंथेरिया असामा राइट आंसर हो जाएगा। 85 में आपका क्या हो जाएगा? 85 का देखिएगा आप। चलिए यंग के एक द्विझर्री प्रयोग में झिर्रियों के मध्य दूरी 1 mm और पर्दे की झिर्रियों से दूरी 1 meter है। एक 500 nm नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के एक वर्णी प्रकाश के लिए तीसरे निम्निष्ट की मध्य उच्चिष्ट से दूरी। तो आपको बताना है 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। मैं दोस्तों यहाँ सॉल्यूशन नहीं कर सकता, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैं बाद में करवा दूंगा आप बोलोगे तो 1.25 mm आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बूस्टर का नियम। तो आप लोगों को पता ही होगा बूस्टर का नियम, तो है क्या पता है या नहीं है पता? कमेंट करो फटाफट। तो क्या हो जाएगा? μ = 10 IP। क्या हो जाएगा? μ = 10 IP आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एकल छिद्र फ्राउनहोफर विवर्तन में यदि छिद्र की चौड़ाई घटा दी जाए तो निकटवर्ती निम्निष्ट क्या होगा? यदि चौड़ाई घटा दी जाए यदि छिद्र की तो क्या होगा बताइए 87 का? तो क्या हो जाएगा? दूर होंगे। तो निकटवर्ती निम्निष्ट क्या हो जाएंगे? दूर होंगे। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की अधिकतम तरंग दैर्ध्य होगी। तो बामर श्रेणी की अधिकतम तरंग दैर्ध्य क्या होगी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में? तो इसकी हो जाएगी 6557 एंगस्ट्रॉम। क्या हो जाएगी? 6557 एंगस्ट्रॉम आपका राइट आंसर है। अगला है, जब हाइड्रोजन परमाणु प्रथम उत्तेजित स्तर में होता है तो इसकी त्रिज्या मूल अवस्था की त्रिज्या की तुलना में है। जब हाइड्रोजन परमाणु प्रथम उत्तेजित स्तर में होता है तो इसकी त्रिज्या मूल अवस्था की त्रिज्या की तुलना में है। तो क्या हो जाएगा 89 का सही जवाब हो जाएगा 4 गुना। क्या हो जाएगा? 4 गुना। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु को अपनी निम्नतम अवस्था में पहली उत्तेजित अवस्था में जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों 91 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। चलिए ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से देखने हैं। तो चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 91। ड्यूटेरियम नाभिक की प्रबंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन 1.115 MeV है। इस नाभिक के लिए द्रव्यमान स्थिति का मान होगा? तो बताइए फटाफट से। सही जवाब हो जाएगा 0.0024 μU। ठीक है, 0.0024 μU आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान स्थिति का मान ये हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन है, बीटा रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। बीटा रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन
उत्पन्न होता है? सही जवाब हो जाएगा नाभिक में न्यूट्रॉन के क्षय से। क्या हो जाएगा? नाभिक में न्यूट्रॉन के क्षय से। अगला क्वेश्चन, जब Li-3-7 को किस कण से टक्कर दी जाए जाती है तो किसी कण से जो है टक्कर दी जाती है तो दो अल्फा कण उत्पन्न होते हैं, टकराने वाले कण हैं, तो टकराने वाले कण कौन से हैं आपको बताना है, तो वो हो जाएंगे टकराने वाले क्रोटॉन। क्या हो जाएंगे? प्रोटॉन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी 50 हर्ज मुख्य आवृत्ति पर कार्य कर रहा है, इसके रिपल की मूल आवृत्ति होगी। क्या होगी इसके रिपल की मूल आवृत्ति? सही आंसर देगा 50 हर्ज आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम और शुद्ध सिलिकॉन है, क्या हो जाएंगे? तो 95 का सही जवाब है आदर्श अचालक हो जाएंगे शुद्ध जर्मेनियम और शुद्ध सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में लॉजिक गेट दर्शाता है, तो यहाँ पर लॉजिक गेट दिया गया है, आपके अलग अलग गेट होते हैं, तो ये गेट क्या दर्शा रहा है? तो ये गेट दर्शा रहा है और गेट, कौन सा गेट दर्शा रहा है? ये और गेट। तो ये 96 नंबर का क्वेश्चन था 97 में। चलते हैं, ये रहा 97। दरवाजों में हैंडल दरवाजे के कब्जों से अधिक दूरी पर बाहरी किनारे पर लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं भाई? इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि दरवाजों को आसानी से खोलने के लिए अधिकतम बल आघूर्ण लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है 98 आपका, दो कणों के निकाय की अवधारणा कीजिए जिसमें एक कण का द्रव्यमान m1 दूसरे का m2, यदि प्रथम कण को द्रव्यमान केंद्र की तरफ d दूरी से खिसकाया जाए तो दूसरे कण को कितनी दूरी से खिसकाना पड़ेगा जिससे निकाय का द्रव्यमान केंद्र अपरिवर्तित रहे? तो पहले को d से तो दूसरे कण को कितनी दूरी से खिसकाना पड़ेगा जिससे निकाय का द्रव्यमान जो है अपरिवर्तित, यानी कि कोई पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, सेम पोजीशन हो। तो चलिए 98 का राइट आंसर आप बताइएगा, तो क्या हो जाएगा? m1/m2 × d आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वर्ताकार चकती जिसकी त्रिज्या 0.5 मीटर एवं द्रव्यमान 25 किलोग्राम अपनी दूरी पर 120 चक्कर पर मिनट की रफ्तार से घूर्णन करती है, चकती का जड़त्व आघूर्ण होगा। चकती का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? तो 3.125 किलोग्राम मीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सॉल्यूशन कर लीजिए, आपको आता है, नहीं आता है तो मेरे से बोल दीजिए, मैं करवा दूंगा बाद में सॉल्यूशन। किस गैस के दो नमूने ए व बी प्रारंभ में एक ही तापक्रम व दाब पर है, उन्हें संपीड़ित कर उनका आयतन V/2 किया जाता है, ए को समतापी तरीके से व बी को रुद्रोष्म तरीके से संपीड़ित किया जाता है, ए का अंतिम दाब होगा। तो ए का अंतिम दाब क्या होगा? B से कम राइट आंसर हो जाएगा। 101 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये रहा 101 नंबर का क्वेश्चन, जब किसी गैस पर 20 जूल कार्य किया जाता है तो 40 जूल ऊष्मा ऊर्जा उत्सर्जित होती है, यदि गैस की प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा 70 जूल थी तो इसकी अंतिम आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाएगी, बताओ? तो इसका जवाब हो जाएगा 50 जूल। क्या हो जाएगी? 50 जूल आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक आदर्श ऊर्जा इंजन में कॉर्नोट प्रक्रम 227 डिग्री सेल्सियस और 127 डिग्री सेल्सियस के बीच निष्पादित होता है, उच्च ताप पर यह 10^4 जूल ऊष्मा अवशोषित करता है, ऊष्मा की मात्रा जो कार्य में परिवर्तन होगी, 102 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 2000 जूल। क्या हो जाएगा? 2000 जूल आपका राइट आंसर है। दो समान ताप के बीच कार्य करने वाले सभी उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन की दक्षता है, तो 103 का राइट आंसर हो जाएगा, बराबर होगी। दो समान ताप के बीच कार्य करने वाले सभी उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन की दक्षता है, बराबर होती है। अगला क्वेश्चन, सरल आवर्त गति में
किस विस्थापन पर गतिज ऊर्जा तथा स्थिति ऊर्जा समान होती है? ए आयाम है। तो 104 नंबर के क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा एक्स इजिकल टू प्लस माइनस ए बाई रूट टू। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा झूले पर झूल रहा है, एक छोटा सा एक बच्चा है, उसका झूले पे झूलने का मन कर रहा है, तो झूले में झूल रहा है, उसकी जमीन से निम्नतम वह अधिकतम ऊंचाई क्रमशः निम्नतम तो 0.75 मीटर, वह अधिकतम वो झूलता है 2 मीटर है, उसकी अधिकतम चाल क्या होगी? तो उसकी आपको वेलोसिटी बतानी है, स्पीड बतानी है, मैक्सिमम स्पीड विल बी। तो चलिए मैक्सिमम स्पीड बताइए 5 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। 156 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये रहा स्प्रिंग से संबंधित। चलो, एक 5 किलोग्राम का गट्टा, एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग नियतांक 500 न्यूटन पर मीटर है से जोड़ा गया है, यह एक समतल क्षैतिज सतह पर बिना घर्षण के गति करता है जैसा चित्र में दर्शाया गया है, गट्टे को संतुलित अवस्था से 10 सेंटीमीटर विस्थापित कर छोड़ा जाता है, गट्टे का दोलन काल क्या होगा? 106 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर है 0.628 सेकंड। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल के वर्ग तथा गैस के परम ताप टी के मध्य सही संबंध क्या होगा? तो वी स्क्वायर और टी के मध्य आपको संबंध बताना है, इनका ग्राफ बताना है, क्या संबंध है? तो इनका संबंध है, ये ग्राफ ऐसे बनेगा, वी स्क्वायर इधर आएगा, टी परम ताप इधर आएगा, ऐसा ग्राफ होगा। अगला क्वेश्चन है, एक ध्वनि स्रोत का वेग जब एक स्थिर प्रेषक को ध्वनि की आवृत्ति दुगनी महसूस हो, ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड है, बताइएगा। एक ध्वनि स्रोत का वेग जब एक स्थिर प्रेषक को ध्वनि की आवृत्ति दुगनी महसूस हो, ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड है, तो 108 नंबर के क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, सही हो जाएगा 165 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन, दो एक समान नलियों ए व बी में नली ए के दोनों सिरे खुले हैं व नली बी का एक सिरा बंद है, नलियों ए व बी की मूल आवृत्तियों का अनुपात ए अनुपात बी होगा, 109 का राइट आंसर हो जाएगा 2:1, क्या हो जाएगा? 2:1। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 110 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये रहा एक आवेश क्यू एक घन में परिबद्ध है, उसके एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है, तो 110 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा Q upon 6 epsilon naught, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, 3 आवेश प्लस 4Q कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू एक एल लंबाई की सीधी रेखा पर क्रमशः 0, एल बाई 2 और एल दूरी पर स्थित है, क्यू का मान क्या होना चाहिए कि स्मॉल क्यू पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो जाए? 111 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर ए, क्यू पर लगने वाला बल परिणामी शून्य हो जाए, तो क्यू का मान -Q होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक आवेशित तेल की बूंद 3×10⁴ पर मीटर के समान क्षेत्र में लटकी हुई है, वह न तो नीचे गिरती है ना ही ऊपर उठती है, तेल की बूंद पर आवेश है, बूंद का द्रव्यमान है 9.9×10⁻¹⁵ kg, वह g=10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपको बताना है 112 नंबर का राइट आंसर, इसका जवाब जाएगा 3.3×10⁻¹⁸ कूलम। अगला क्वेश्चन, दिए गए परिपथ में बिंदु ए व बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध, तो आपको प्रतिरोध बताना है, रेजिस्टेंस बताना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आप बताइएगा, क्या हो जाएगा? 10 ओम आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 10 ओम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यहाँ पर ये रहा है क्वेश्चन, एक विभव मापी तार को एक सतत वोल्टेज 3 वोल्ट
लगाया जाता है। 1.08 वोल्ट विभवांतर बल वाला सेल 216 सेंटीमीटर की लंबाई पर विभवांतर से संतुलित होता है। विभव मापी तार की कुल लंबाई क्या होगी? विभव मापी तार की कुल लंबाई होगी 600 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी? 600 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर, क्या हम तांबे के तार का उपयोग विभव मापी तार के रूप में कर सकते हैं? सही विकल्प चुने। तो 115 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता कम होती है एवं प्रतिरोध का ताप गुणांक बहुत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, विभव मापी ऑल्टमीटर की तुलना में विभवांतर अधिक शुद्धता से नापता है, क्योंकि बताइए क्योंकि क्या हो जाएगा? यह बाहरी परिपथ से धारा नहीं लेता, यह बाहरी परिपथ से धारा नहीं लेता। अगला क्वेश्चन, यंग के डिस्लिट प्रयोग में यदि पीले प्रकाश के एक वर्णी स्रोत को एक लाल प्रकाश वाले से बदल दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई, यंग के डिस्लिट प्रयोग में यदि पीले प्रकाश के एक वर्णी स्रोत को एक लाल प्रकाश वाले से बदल दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई, बताइए फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। 118 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं, बोयल के नियम का सही निरूपण। तो बोयल के नियम का सही निरूपण आप लोगों को करना है, ये लीजिएगा बोयल के नियम का सही निरूपण। तो क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका ग्राफ है, ये बोयल के नियम को निरूपण करता है सही तरीके से। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, गैसों के गतिज ऊर्जा सिद्धांत के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? गैसों के गतिज सिद्धांत सही नहीं है वो बताना है। 119 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर, अणुओं के मध्य टक्कर होने पर ऊर्जा की हानि होती है। अगला है पृष्ठ तनाव की इकाई, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ, ये हो जाएगी सरफेस टेंशन। किसको बोलते हैं? फोर्स पर लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन की यूनिट है न्यूटन पर मीटर, या न्यूटन मीटर माइनस में आ जाएगा। फिर द्रव के प्रवाह के आंतरिक प्रतिरोध को कहते हैं, द्रव के प्रवाह के आंतरिक प्रतिरोध को क्या कहते हैं? बताइए द्रव के प्रवाह के आंतरिक प्रतिरोध को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं श्यानता। क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। श्यानता कहते हैं, विस्कोसिटी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 122 नंबर का, वर्षा की बूंदे गोलाकार आकृति की होती है, इसका कारण है। तो गोलाकार बूंदे होती है, इसका कारण है पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों के लिए, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर, कमरे के ताप पर सोडियम काय केंद्रीय घनीय जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसके किनारे की लंबाई A=4.24 एंगस्ट्रॉम है। सोडियम Na का परमाणु बार 23 का सैद्धांतिक घनत्व है। तो 123 का राइट आंसर हो जाएगा 1.002 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? 1.002 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस तरह की त्रुटि में अंतरकाशी स्थान में धनायन की उपस्थिति होती है? तो किस में होती है? तो ये हो जाएगा फ्रेंकल त्रुटि या फ्रेंकल दोष में होती है। अगला क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम आयन की समन्वय संख्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl क्रिस्टल में सोडियम आयन की समन्वय संख्या क्या है? 6 क्या हो जाएगी? 6 है। कितनी है? 6 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्थिति आदर्श विलयन के लिए सही नहीं है? कौन सी स्थिति आदर्श विलयन के लिए राइट नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विलेय का आयनीकरण कम होना चाहिए। 127 नंबर पे चलते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए, ये रहा 1 मोल सोडियम क्लोराइड के 1000 ग्राम जल युक्त विलयन में NaCl की मोल भिन्न है।
तो मोल भिन्न क्या होगी भाई बताओ। 127 में राइट आंसर हो जाएगा 0.0177, 0.0177 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, राउल्ट के नियमानुसार एक विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन बराबर होता है, तो अपेक्षित अवनमन बराबर होता है विलय के मोल भिन्न के बराबर। अगला क्वेश्चन, 250 ml 0.1 m विलयन बनाने के लिए NaOH के कितने ग्राम की आवश्यकता होगी, तो सही आंसर देगा 1 ग्राम। क्या हो जाएगा 1 ग्राम। हाइपोक्लोरस अम्ल तथा पोपाइन की योग्यात्मक अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद है। 130 का राइट आंसर है 1,1,1,1-डाइक्लोरोप्रोपेनोन। क्या हो जाएगा 1,1-डाइक्लोरोप्रोपेनोन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए यौगिकों को उनके घटते हुए अम्ल सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, तो क्या हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से अणुओं की अनुनाद संरचनाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो बताइए निम्नलिखित कथनों में से अणुओं के अनुनाद संरचनाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका जवाब आप दोगे, तो सही नहीं है इनमें समान आबंध होते हैं, दे हैव आइडेंटिकल बॉन्डिंग, तो इनमें समान आबंध होते हैं, ये क्या है सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, एथेन के संतृत संरूपण के विषय में सही कथन चुने, तो सही कथन चुनना है ग्रस्त संरूपण से ज़्यादा स्थायी होते हैं, ग्रस्त संरूपण से ज़्यादा स्थायी होते हैं। निम्नलिखित में से सबसे कम अणुभार वाले एल्केन को खोजे जिसमें एक चतुष्क कार्बन है, क्या हो जाएगा 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन। निम्नलिखित में से सबसे कम अणुभार वाले एल्केन को खोजे जिसमें एक चतुष्क कार्बन है, तो 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति एथीन व एथाइन की तुलना में बेंजीन की कम क्रियाशीलता का कारण है, तो 135 का सही जवाब है इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 136 नंबर में, तो ये रहा 136 नंबर का क्वेश्चन, तत्वों कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर के परमाणु आकार सही क्रम में है, तो परमाणु आकार सही क्रम में आपको बताना है, तो नाइट्रोजन हो जाएगा फिर कार्बन सल्फर प्रोटॉन पोटास, तो ये आपका इस प्रकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करते हैं, तो आवर्त किसको व्यक्त करते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा मुख्य क्वांटम संख्या को व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन, उच्च इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा वाला तत्व क्या हो जाएगा क्लोरीन। अगला है, निम्न तत्व हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सल्फर क्लोरीन के विद्युत ऋणात्मकता का बढ़ता हुआ क्रम, तो विद्युत ऋणात्मकता का बढ़ता हुआ क्रम क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा आपको बताया ऋणात्मक फ्लोरीन होता है, सबसे कम हाइड्रोजन, फिर सल्फर क्लोरीन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, P4 में PP बंधों द्वारा निर्मित कक्षकों में पाई गुण का प्रतिशत है, तो ये क्वेश्चन उस समय क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया था, तो ये क्वेश्चन गलत है, इसको याद मत करना। अगला क्वेश्चन, अंतर हेलोजन यौगिक जो दीलक संरचना में पाया जाता है वह है, तो क्या हो जाएगा वह क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी ICl3 राइट आंसर है। अगला है, मानव शरीर में जैविक क्रिया है तो कौन सा पंप महत्वपूर्ण है, तो क्या हो जाएगा NaK पंप आपका सही, सोडियम पोटेशियम पंप। अगला प्रश्न, पूर्णतः वियोजित
NH4Cl का वाष्प घनत्व है। पूर्णतः वियोजित NH4Cl का वाष्प घनत्व है 143 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी NH4Cl का आधा। अगला प्रश्न है आपका BF3 की अम्लीयता निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर समझाई जा सकती है, तो किसके आधार पर समझाई जा सकती है, तो ये लुईस अवधारणा पर। किस पर? लुईस अवधारणा पर। जल में अम्ल की कुछ मात्रा मिलाए जाने पर, जल में अम्ल की कुछ मात्रा मिलाए जाने पर जल का आयनिक गुणनफल होगा, क्या हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आज के लास्ट 5 प्रश्न और बच रहे हैं। 1 लीटर बफर विलयन में 0.01 mNH4Cl तथा 0.1 mNH4OH है, इसके लिए pKb का मान 5 है, तो इसकी pH होगी 10। क्या हो जाएगी इसकी? 10 हो जाएगी pH वैल्यू। अगला क्वेश्चन, यदि किसी विलयन का pH 5.2 है तो इसका pOH होगा, तो 147 का इसका राइट आंसर 8.8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न से कौन सा विलयन बफर के रूप में कार्य करता है, तो विलयन बफर के रूप में कार्य करता है CH3COOH प्लस CH3COONa। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, किन्हीं दो गैसों के मिश्रण का कुल दाब, किन्हीं दो गैसों के मिश्रण का कुल दाब क्या हो जाएगा? सही आंसर है प्रत्येक गैस के आंशिक दाब का योग, प्रत्येक गैस के आंशिक दाब का योग। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यहाँ पर आदर्श गैस के समीकरण PV=nRT में निम्न में से कौन सा R का गतीय मान नहीं हो सकता, तो कौन सा गतीय मान नहीं हो सकता, तो आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता, 8.315 वायुमंडलीय मोल इनवर्स के इनवर्स किलो केल्विन इनवर्स, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये 150 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए, और आप लोगों को चाहिए कि सर इसके मॉडल पेपर भी आने चाहिए, तो मैं मॉडल पेपर भी लेके आऊँगा। 2016 का पेपर मैंने सॉल्यूशन करवाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फर्स्ट कमेंट बॉक्स में है, और प्ले लिस्ट भी बना दी गई है। तो आप लोग चाहते हैं कि आप भी तैयारी करें अच्छे से, तो आप तैयारी जारी रखिएगा। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूँ कोई नई अपडेट के साथ और नई वीडियो के साथ, लगातार आप बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।